अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते हैं। अब डैम से पानी का अखराज, कई आबादियां खाली कर ली गईं। अब डैम में पानी का गैर मामूली इजाफे और स्पेल वेस्ट से मुसलसल अखराज के बाद करीबी मौजूदा कई आबादियां खाली कर ली गईं। सिंध और बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले में शदीद बारिशें और मुख्तलिफ मकामात पर छोटे डैम ओवरफ्लो होने से पानी के बड़े रेले हब डैम पहुँच रहे हैं, जिससे हब डैम में सतह आप में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। आपदा के ज़राए के मुताबिक मंगल की शाम डैम के मुकम्मल बनने के निशान से पानी 4 फुट ऊपर था। रात 12 बजे तक डैम का लेवल 343 फुट तक की सतह पर तजवीज कर गया था। वाजह रहे कि अब डैम मुकम्मल बनने के बाद सतह आप में 329 फुट होने पर डैम के स्पेल वेस्ट से पानी का अखराज शुरू हो गया था। डैम में पानी की सतह के गैर मामूली इजाफे से स्पेल वेस्ट से पानी का भारी अखराज हो रहा है। इस सूरत हाल से गुज़िश्ता 36 घंटे से अब नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। रात गए तक मकामी इंतजामिया ने हब डैम की जेर आबादियां जहीर गोट, मौलवी अब्दुल कादिर गोट, हब डैम कॉलोनी और दीगर गोट से मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। हब डैम के मुख्तलिफ मकाम पर हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। पुलिस, रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी अहलकार की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। नाज़रीन, इसी तरह की मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें जिना न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।